Hey guys, welcome back to my channel, A New Start in America. And today is Sunday. So we have a long to-do list for today. And we are already done with our breakfast and then cleaning, vacuum, everything. And now I'm ready and Chubu is getting ready. And we have to go out and we have to do lots of things. We have to wrap up actually lots of things. So I'm going to share with you all what all things we have in list today. So without any further ado, let's start the video of today. तो हम घर से निकल रहे हैं, हमें जाना है वीकली ग्रॉसरी के लिए. हम इंडियन स्टोर भी जाएंगे, मैं अपने एरिया का इंडियन स्टोर भी आज आपके साथ शेयर करूंगी. इसके अलावा नॉर्मल जो यहाँ के स्टोर्स हैं, अमेरिकन स्टोर्स, उसमें भी जाना है क्योंकि हमें थोड़ा ही सामान इंडियन स्टोर से लेना है, बाकी सब वहीं से लेना है. और इसके अलावा अपने बेबी नर्सरी की प्रिपरेशन भी हम कर रहे हैं बिकॉज ये मेरा लास्ट मंथ है प्रेगनेंसी का, तो हमें बेबी नर्सरी भी तैयार करके रखना है. तो फिर उसके लिए भी हम जाएंगे कुछ चीज़ें देखने के लिए. तो चलिए चलते हैं. आए हैं लंच करने के लिए. हमने सोचा लंच करने के बाद आज का दिन स्टार्ट करते हैं, तो शॉपिंग स्टार्ट होगी बट लंच के बाद सबसे पहले हम लंच कर रहे हैं. तो आइए दिखाती हूँ क्या लंच है आज का. हमारे यहाँ पर एलए में जो है रेस्टोरेंट्स में इंटीरियर में ये लोग जो रेस्टोरेंट्स हैं वो अलाउड नहीं करते हैं. अभी तक डाइन इन ऑप्शन अवेलेबल नहीं है. रेस्टोरेंट्स के आउटसाइड में इन लोगों ने चेयर्स लगाई हुई हैं सारे रेस्टोरेंट्स ने. और अगर आपको रेस्टोरेंट में खाना खाना है यहाँ पे एलए में, तो फिर सिर्फ आउटसाइड डाइन इन जो है वो अवेलेबल है. तो अभी हम लोग बाहर रेस्टोरेंट्स के बाहर जो इनके स्पेसेस हैं वहीं पे बैठ के लंच कर रहे हैं. खाने का काम खत्म हो चुका है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की शॉपिंग. तो सबसे पहले हम आए हैं बाय बाय बेबी टू सी सम बेबी स्टफ फॉर आवर बेबी. सो लेट्स गो इन. ज़रूरी जो हम देखने आए हैं बाय बाय बेबी में वो है कार सीट और स्ट्रोलर. यहाँ पे कार सीट के बिना न्यूबॉर्न को हॉस्पिटल से पैदा होने के बाद रिलीज नहीं किया जाता है, तो फिर इसलिए न्यूबॉर्न को विद कार सीट ही ओनली हॉस्पिटल से घर लाया जा सकता है यहाँ पे. तो फिर इसलिए हम कार सीट देखने आए हैं और यहाँ पे एन नंबर ऑफ ऑप्शंस हैं. तो अब हम बाय बाय बेबी से निकल चुके हैं. मुझे जो ज़रूरी चीज़ें थी वो मैंने ले ली है. और क्या कहते हैं, मैंने क्या लिया है ये मैं आपको अपने नर्सरी व्लॉग जो मैं फ्यूचर में बनाऊंगी उसमें दिखाऊंगी. अभी जो है इंडियन स्टोर आए हैं हम, लिटिल इंडिया, और चलिए शॉपिंग करते हैं. थोड़ा बहुत सामान इंडियन स्टोर से लेना था ये देखिए मैं ले चुकी हूँ. और अब हम यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं अपने नॉर्मल ग्रोसरी स्टोर जो कि हमारे एरिया का है. हम जा रहे हैं रेल्फ में. रैल्फ आ चुके हैं. गाइस, रैल्फ जो है यहाँ सदर्न कैलिफोर्निया में चेन ऑफ ग्रोसरी स्टोर है, यानी बहुत सारे रैल्फ हैं हर एक सिटी में अलग अलग एरियाज में. तो ये हमारे एरिया का रैल्फ है. तो चलिए शॉपिंग करते हैं.
सबसे पहले हम फ्रेश प्रोड्यूस के सेक्शन में जाएंगे और उसके बाद नॉर्मल वीकली ग्रोसरी शॉपिंग करेंगे। शॉपिंग इज डन गाइज, शबूज जो है वहाँ पे कर रहा है एंड आई एम एक्सट्रीमली टायर्ड नाउ। तो यहाँ की भी शॉपिंग हो चुकी है, अब हम घर जा रहे हैं और अभी बज चुके हैं रात के 9, पूरा ही बिजी डे था। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा जो मैंने दिखाया कि यहाँ पे जो इंडियन स्टोर हमारे एरिया में है और जो अमेरिकन स्टोर भी है और हमारी शॉपिंग और इसके अलावा जो हम बेबी नर्सरी के लिए शॉपिंग करने गए थे, हमने ज़्यादा कुछ तो नहीं खरीदा, जस्ट अ लिटिल बिट, थोड़ा बहुत कुछ खरीदा है, लेकिन अभी बहुत कुछ और भी बाकी है। जब मेरी पूरी नर्सरी क्रिएट हो जाएगी और कंप्लीट हो जाएगी मैं आपको उसका एक टूर ज़रूर दूंगी। तो चलिए इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ की भी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।